Hey guys, welcome to all my YouTube channel की स्टडी. आई एम पूजा एंड टुडे इज सैटरडे एंड आर डे. जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग हर सैटरडे की स्टडी में बच्चों के लिए लाते एक सिंपल सी आर्ट. तो आज भी हम लाए हैं एक आर्ट, पर आज जो आर्ट है हम वो कुछ अलग तरीके से करेंगे. तो यहाँ मैंने देखिए एक ट्रे ली है और ट्रे में मैंने यहाँ पर रवे को फैला लिया है और यहाँ भी मैंने कुछ पेपर्स पे ड्राइंग कर रखी है, पिक्चर ड्रॉ कर रखी है, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, लाइन, सर्किल और इसी तरह और भी सब चीज़ों की, सन, मून. तो आप सोचेंगे अब इसका करेंगे क्या. तो देखिए, सबसे पहले ट्रे में आपको रवा फैला लेना है. अगर आपके पास रवा नहीं है, मतलब आप मिट्टी, रेत, ये सब भी फैला सकते हैं. फिलहाल मेरे पास मिट्टी, रेत नहीं थी तो मैंने रवे को यहाँ डाल लिया है. तो आपको अब क्या करना है, पहले सिंपल पिक्चर देनी है बच्चों को, जैसे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन आपको सामने रख देना है. अब उससे बोलो कि फिर ये पिक्चर आप इसी में ड्रॉ करो. तो ये देखिए, इसी तरीके से हमें बच्चों को कराना है. तो इससे होगा क्या, आप भी सोचिए, बचपन में हम लोग को मिट्टी में सीख से, जब हम लोग जाते थे नदी के पास तो या घर के आसपास जब मिट्टी जहाँ पड़ी रहती, तो हम लोग को सीख से वहाँ पे ड्राइंग करना अच्छा लगता था. तो इसी तरीके ये चीज़ है कि बच्चे को देखिए, अभी आप सीधे तरीके से देंगे कॉपी पेंसिल में इन्हीं चीज़ों को ड्रॉ करने में, तो वो इतना इंटरेस्ट उतना नहीं आएगा उसको ड्रॉ करने में. अभी यही चीज़ आपने अगर ट्रे में करके दे रहे, मिट्टी में ड्रॉ करना हो या इस तरह रवा में, तो वो अच्छे से सीखेंगे, उनको भी लगता है क्या मतलब नई चीज़ है. जैसे होता है ना, रिश्ता वही, सोच नहीं, तो बस वही चीज़ है यहाँ पे. तो इससे क्या होगा, बच्चे का ड्राइंग में जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेगा, साथ में वो काफ़ी सारी जो शेप्स हैं उनको ड्रॉ करना सीखेंगे. आपको लग रहा है तो बड़ी इजी मतलब शेप है, तो ये आपके लिए ईजी पर बच्चे के लिए थोड़ी टिपिकल है. तो और हम धीरे धीरे करके जो डिज़ाइन का लेवल है ना, मतलब वो हम बढ़ाते जाएंगे. तो जैसे कि पहले हम लोग ने सिंपल दिया स्टैंडिंग, स्लीपिंग लाइन, फिर हम उन्हें शेप्स देंगे और फिर उन चीज़ों से क्या क्या बनता है हम वो देंगे. जैसे यहाँ पे मैंने ट्री दिया है, तो ट्री में ट्रायंगल और स्टैंडिंग लाइन का यूज़ हुआ. यहाँ जैसे वोट थी, यहाँ फ्लावर है, तो फ्लावर में ज़्यादातर सब सर्किल का ही यूज़ हुआ है. तो इसी तरह हम उनको चीज़ें देते जाएंगे पिक्चर में. यहाँ जैसे हेड बनाई, हेड में ट्रायंगल यूज़ हुआ है, स्क्वायर यूज़ हुआ है, सर्किल. तो इससे बच्चे सीखेंगे भी और एक्टिव भी रहेंगे, ऐसी एक्टिविटी कराते रहना चाहिए. और दिस इज़ द, ये सेकंड वर्क है हमारी आज की क्लास का. तो यहाँ देखिए, हम एक सिंपल सी ड्राइंग करेंगे. बहुत सारे पेरेंट्स को शिकायत रहती है कि उनके बच्चे को कलर करना नहीं आता, जब भी वो कलर करता है इधर उधर वो फैल जाता है. तो गलती आप ही लोग की, तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी. जब भी आप कोई पिक्चर दीजिए तो यार उसमें फेस एक्सप्रेशन ज़रूर बनाएं, उससे बच्चे को वो ना अट्रैक्ट करती है चीज़. और दूसरी चीज़, आप उन्हें पिक्चर बना के ऐसे ही मत दे दिया करिए कि आप उनसे सोचो कि आप वो पिक्चर में कलर करेगा, फिर वो अगर गलत कलर कर देता तो आप कहते अरे ये क्या कर दिया तुमने, तुमको इतना नहीं मालूम कि इसमें ये कलर होता है. क्योंकि यार उनको कैसे मालूम होगा जब तक आप उन्हें इंट्रोड्यूस ही नहीं कराओगे. तो सबसे पहले ये है कि आप जो भी पिक्चर दीजिए तो उसके किनारे अंडरलाइन मोटी मोटी उसी कलर से कर दीजिए. जैसे एप्पल रेड होता है, तो रेड कलर की अंडरलाइन मोटी मोटी कर दीजिए और बच्चे से बोल दीजिए आपको इसी के अंदर ही कलर करना है, इससे बाहर ना जाए. और ग्रीन कलर की लीव्स होती तो ग्रीन कलर की अंडरलाइन, तो इससे बच्चे को पता रहता है. तो इससे बच्चे को ना ध्यान रहेगा, उसका कलर कभी भी इधर नहीं जाएगा. गाइस, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और पसंद आया हो. तो वीडियो को यार एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ऐसी वीडियो हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे बच्चों के लिए. तो चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.